अभिमन्यु को पता चलता है कि अक्सरा की तबीयत ठीक नहीं है और वह अबीर की वजह से बेहोश हो गई है। तो अभिमन्यु सोचता है कि ये बाप एक बेटे को उसकी माँ से दूर नहीं रखेगा। और जब वह यह सोचकर जाने वाला होता तो पीछे से मंजरी की आवाज़ आती है कि तुमने उस माँ के बारे में तो सोच लिया, लेकिन इस माँ के बारे में क्या होगा। तो मंजरी कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि अक्सरा सच में बीमार है या बीमारी का नाटक करे, क्योंकि एक औरत अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अभिमन्यु कहता है कि माँ यदि उसे नाटक ही करना होता तो वह केस के समय ही कर लेती ना कि अब, और अक्सरा सच में बीमार है। और यही सारी बात अभी चुप कर सुन रहा होता तो आखिर अभी क्या करेगा अभी।